नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनके पिता राजेश पायलट पर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके तथ्य और दिनांक दोनों ही गलत हैं। हाँ, बतौर भारतीय वायुसेना के पायलट मेरे पिता ने बम जरूर गिराए थे, लेकिन उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर गिराए थे, न कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। वह 29 अक्टूबर 1966 को वायुसेना में कमीशन हुए थे। इसके साथ ही सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट के वायुसेना में कमीशन होने का सर्टिफिकेट भी ट्विटर पर अटैच किया। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने अहम भूमिका जरूर निभाई थी। दरअसल बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट कर लिखा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। वहीं अब अमित मालविया के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आपके तथ्य और दिनांक दोनों ही गलत हैं, क्योंकि 1966 में अक्टूबर महीने में वे भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई स्पीच को विपक्षी दलों ने खोखले वादों से भरा चुनावी भाषण बताया है। साथ ही विपक्षी दलों ने ये भी कहा है कि ये पीएम मोदी का लाल किले के प्राचीर से विदाई भाषण है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को विश्वास जताया कि वह अगले साल लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनता से किए गए वादों की प्रगति को उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरव गान पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए संवाददाताओं से कहा कि हर आदमी यही कहता है कि बार बार जीत कर आऊंगा, लेकिन हराना जिताना मतदाताओं के हाथ में है। वे अगले साल झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, यह अहंकार है। खड़गे ने तंज कसते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री अगले साल झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2023 को लोगों को यह बताने की बजाय कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में क्या हासिल किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ और खोखले वादों से भरा एक बेतुका चुनावी भाषण दिया। पीएम मोदी के भाषण पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना विदाई भाषण दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरा मानना है कि यह प्रधानमंत्री मोदी का विदाई भाषण था। उन्होंने पिछले 10 साल में किए गए सभी कार्यों को गिनाने की कोशिश की, उसमें उल्लेख करने लायक कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, किसी को प्रधानमंत्री के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को समझने के लिए उनके भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है। उनके काम से साफ है कि वह नाकाम रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रॉय ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वे वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं, तो प्रति परिवार एक व्यक्ति विधेयक लाएं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी को परिवारवाद की बात करते समय सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देखना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव का इशारा आदित्यनाथ के गोरखपुर की गोरक्षक पीठ के महंत भी होने की ओर माना जा रहा है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से अहंकार की बू आती है कि वे अगले साल लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। देश ने अनेक शासक देखे हैं और सभी किसी न किसी तरह सत्ताविहीन हो गए। प्रधानमंत्री को लगता है कि वह इस सबसे मुक्त हैं। हरियाणा पुलिस ने कल मंगलवार 15 अगस्त को नू में हुई हिंसा को भड़काने के आरोपी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गौरक्षक बजरंग दल के फरीदाबाद इकाई के प्रमुख बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। नू में हुई हिंसा से पहले उसने मेवात के मुस्लिमों से कहा था कि मैं ससुराल आ रहा हूं, अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या। गौरतलब है कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस हिंसा की आग बाद में गुरुग्राम सहित आसपास के कई इलाकों में भी फैल गई थी और इसमें 2 होमगार्ड और 1 इमाम सहित 6 लोगों की जान चली गई थी। वहीं नू में हुई हिंसा वाले दिन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें बिट्टू बजरंगी कथित तौर पर कह रहा है कि ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई,
फूल माला तैयार रखना जीजा आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। जगह जगह से बादल फटने और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें अब तक 60 लोगों की मौत हो गई और करीब 26 लोग मलबे में दबने और पानी में बहने से लापता हैं। इस बीच शिमला से लैंडस्लाइड के भयावह वीडियो भी सामने आ रहे हैं। शिमला के कृष्णानगर विष्णु मंदिर क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इसमें पहाड़ी पर बने कम से कम 4 घर बह गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 5 से 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लैंडस्लाइड में नगर निगम का इकलौता स्लॉटर हाउस भी जमींदोज हो गया है। घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे शहर के कृष्णानगर इलाके में हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमने एक शव बरामद कर लिया है। मलबे में दूसरे शख्स का पैर देखा जा रहा है। उस शव को भी बाहर निकालने की कोशिश जारी है। इस दौरान लगभग 35 लोगों को उनके घरों से निकाला गया। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ रहने वाले लोग जितनी जल्दी हो अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन उनके लिए भोजन और आवास सुनिश्चित करेगा। हम क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए फंड भी देंगे। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को बंद रहेंगे और बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है, रास्ते बंद हैं। इनकी बहाली में समय लगेगा, लेकिन यह जल्द किया जाएगा। खालिस्तान समर्थकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसके मद्देनजर भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इससे पहले जुलाई के महीने में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास में आग लगा दी थी। हालांकि सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग ने उसे तुरंत बुझा दिया था और इस घटना में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर थी। दरअसल खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका में किल इंडिया विरोध रैली की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मारे गए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के नाम पर धन इकट्ठा करना था। बता दें कि निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड था और भारत सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा भी की थी और निज्जर को जून में कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी, जिसके विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और पुलिस के बनाए अस्थायी सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर झंडे भी लगा दिए थे। हालांकि वाणिज्य दूतावास कर्मियों ने झंडों को हटा दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल मंगलवार 15 अगस्त को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के परिसर में प्रमुख आध्यात्मिक नेता मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुरारी बापू की व्यास पीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय सिया राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की रामकथा में उपस्थित होना सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने कहा कि मैं आज यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में हूँ। मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है, ये मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री बनना एक बड़ा सम्मान है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं, कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है और यह मुझे अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करने के लिए साहस, शक्ति और लचीलापन देता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।